एक तो भाई की शादी, ऊपर से शादी भी तुर्की में। जैसे ही किसी को बताओ कि शादी तुर्की में थी तो दो तीन सवाल ठक करके मुंह पर आते हैं। पहला ये कि भाभी टर्किश है, ये डेस्टिनेशन वेडिंग थी, वहीं सेटल हो रहे हो। पहले का जवाब है नहीं, दूसरे का जवाब है नहीं, और तीसरे का जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ना भाभी टर्किश है, ना ही ये डेस्टिनेशन वेडिंग थी, और ना ही हम वहाँ सेटल हो रहे हैं। कोविड ने ऐसी नहुसत मचाई है कि आज आके तुर्की ही ऐसा स्पॉट मिला जहाँ आराम से निकाह हो सकता था। हमने जाना था पुर्तगाल से, भाभी लोगों ने आना था सऊदीया से। शादी की शॉपिंग का भी अपना मजा है, यू लव एंड हेट इट एट द सेम टाइम। शॉपिंग करना तो अच्छा लगता है, पर कभी एक मॉल कभी दूसरे मॉल, फिर तक हार के घर आके खाना कौन बनाए। बाहर से ही हलाल रेस्टोरेंट ढूंढ के जो मिले अल्हम्दुलिल्लाह करके खा लो। पुर्तगाल छोड़ने से पहले कोविड टेस्ट भी करवाना था, जो कि मोस्ट डिस्कस्टिंग पार्ट ऑफ द जर्नी। टेस्ट करवा के फिर से शॉपिंग के लिए निकले। पाकिस्तान में रहते हुए बाहरले मुल्क के रेस्टोरेंट्स ढूंढते हैं, और बाहरले मुल्क में रह के हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स ढूंढते हैं। डिनर करके निकले थे कि ईमेल आ गई कोविड सबका नेगेटिव है। फिर अगले दिन हम निकले एयरपोर्ट के लिए। यहाँ से फ्लाइट थी हमारी 3 घंटे की, 3 घंटे जर्मनी में स्टे, और फिर 3 घंटे की फ्लाइट टू इस्तांबुल। यहाँ से निकलने से पहले हम में से कोई भी नहीं सोया हुआ था, लेकिन सफर के एंड में रियलाइज हो गया कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं और ये एडवेंचर हमसे नहीं हो पाएंगे। पूरी फ्लाइट सोने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमें ना नींद आई ना शर्म आई कि अगली बार हमें घर से सो के निकलना होगा। खैर, प्लेन में खिड़की वाली सीट हमेशा मेरी होती है, क्योंकि बादल इम्पोर्टेंट है बाबू। टेक ऑफ और लैंडिंग ना मिस करने वाली चीज नहीं होती, तो मेरी नजरें खिड़कियों पर ही होती हैं। जब सनराइज का टाइम आया तो प्लेन की दूसरी तरफ वाली खिड़की से सनराइज बड़ा अच्छा सा नजर आ रहा था, पर मेरी खिड़की वाली साइड पे सूरज की एक किरण तक नहीं थी। इट वॉज फैसिनेटिंग। लेकिन फिर मेरी तरफ भी सुबह हो ही गई। बाहर सर्दी इतनी ज्यादा थी कि खिड़की पे बर्फ जमने लगी, बर्फ के क्रिस्टल्स डिवेलप होने लगे, और ट्रस्ट मी ये चीजें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। बीच में अच्छा खासा टर्बुलेंस भी आया। जब भी प्लेन ये हरकतें करता है ना, तो हर तरह के मनहूस ख्याल दिमाग में आते हैं। 3 घंटे कैद में रहने के बाद जर्मनी लैंड हुए। बाहर घूमने फिरने जाने के लिए ना तो किसी का मूड था, ना किसी में हिम्मत थी, ना किसी में एनर्जी थी। वहीं से ओवर प्राइस्ड हलाल खाना लिया। खाना लेने के लिए मुझे अपना एक गुर्दा बेचना पड़ा, क्योंकि खाना बहुत महंगा था। फिर हम नींद से फटी हुई आंखें लेके बैठ गए प्लेन में। इस पायलट ने जितना कोई गंदा टेक ऑफ किया था ना, मुझे पक्का यकीन है इससे ज्यादा अच्छा टेक ऑफ मैं कर सकती हूँ। लग रहा था प्लेन को पाकिस्तान के किसी गाँव की टूटी हुई सड़क पे चलाया जा रहा हो, लेकिन ये भी हवा में खैर से पहुंच ही गया। फिर 3 घंटे की इस फ्लाइट में खाना जो मिल रहा था वो हलाल तो था नहीं। फिर हमने मिल्क चॉकलेट पर ही अल्लाह का शुक्र अदा किया और गुजारा कर लिया। इस पॉइंट पे सर में शदीद दर्द शुरू हो चुका था, क्योंकि एक तो खाना भी ठीक से नहीं खाया, नींद भी बहुत ज्यादा आई हुई थी, और थकावट बहुत ज्यादा थी। लेकिन जो भी है, इस्तांबुल भी हम पहुंच गए, और यहाँ मेरा ये वाला दूसरा चक्कर है। मैं पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन मैं उसको आना काउंट नहीं करती। यहाँ पहुंच के एक बार जिसने मुझे इतनी खुशी दी कि 2 मिनट के लिए मैं ये भूल ही गई थी कि मेरे सर की एक एक नस दर्द की वजह से फड़क रही है, वो ये थी कि यहाँ का हर खाना हलाल है। जो मर्जी खाओ, किसी भी चीज के इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ ना पोर्क है, ना ही हराम प्रोडक्ट। 2 मिनट के लिए ये खुशी मनाई और घर के लिए निकल गए। यहाँ हमने 20 से लेके 28 तक रुकना था। अब जब इतना लंबा स्टे करना हो तो होटल्स में नहीं रुका जाता, तो एयरबीएनबी से अपार्टमेंट 1 वीक के लिए ले लिया। 3 बेडरूम्स, 1 डाइनिंग एरिया, 1 गेस्ट रूम, छोटू सा किचन, 2 बाथरूम। उस रात सबकी ही हालत खराब थी, तो जल्दी से खाना खाया, चाय बना के पी और सो गए। ऐसे गधे बेच के सोने वाली नींद आई थी कि मत पूछो। फिर सुबह उठे और फिर हम निकल गए बाहर घूमने फिरने, और ऑफ कोर्स नाश्ता भी करने। ये इस्तिक्लाल स्ट्रीट है, फेमस वन।
हर वक्त यहाँ शदीद रश होता है, हर दुकान पर हुजूम होता है। यहाँ एक ही चीज की 10 दुकानें होंगी और 10 दुकानों पर एक जैसा रश होगा। यहाँ से हमने खाया खाना जो कि काफी महंगा था, पाकिस्तानी 10,000 रुपए लग गए थे, लेकिन चस कोई नहीं थी आई। ये तो स्टार्टिंग थी डिसअपॉइंटमेंट्स की, जो वहाँ के खाने खा के हमें आगे मजीद होनी थी। लेकिन खाना अच्छा हो ना हो, यहाँ के ज्वेलरी डिजाइन देख के जो मजा आता है ना, गोल्ड, वाइट गोल्ड स्टोन्स, ये वो आंखें पकड़ते हुए डिजाइन, दिल करता है सब कुछ ही उठा के ले जाए। दूसरे दिन था निकाह, निकाह था दोपहर 1 बजे, इसका मतलब हमें सुबह उठ के तैयार होना था। मुझे जरा 7:30 बजे उठना पड़ा, क्योंकि आपकी बहन को मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता, तो मेकअप आर्टिस्ट को ही घेर के मैंने घर में बुला लिया कि बहन आके मेरा और मेरी अम्मा का मेकअप करो। 7:30 का बोल के 8:30 बजे वो आई। 11 बजे तक मेरी शक्ल यूं बदल गई थी जैसे दुनिया का सारा हुस्न मेरे पास ही हो। भाई जाहिर है, 200 चीजें मुंह पे थोपने के बाद भी शक्ल अच्छी ना हो तो फिर की फायदा। त्यार श्यार हो के हम पहुँच गए निकाह के लिए। आपने निकाहे इन तमाम गवाहान जो वहाँ और यहाँ हमारे यहाँ मौजूद हैं, इन सब के सामने आप कबूल करते हैं? जी कबूल करता हूँ। निकाह के बाद खाना खाया। 1 बजे भाई और भाभी को पूरी जिंदगी के लिए आपस में फंसवा के हम फोटोग्राफी के लिए लोकेशंस पे घूमते रहे। और इस पॉइंट पे मेरे पाँव मुझे बकायदा लानते भेज रहे थे कि तुझे किसने कहा था कि तू हील्स पहन के आ जा। चल चल के पैरों का बिड़ा गर्क जो हुआ था वो हुआ था, लेकिन सर भी साथ ही दुखने लग गया कि मेरी ही कसर रह गई है, मैं भी आऊंगा। फोटोग्राफी के बाद हम घर आ गए और फिर सुकून भी आ गया। दूसरी सुबह थी बहुत सारी बारिश, छतरी खरीदी और सैर सपाटे के लिए हम निकल गए हलाल खाना खाने। मैं यहाँ पे बार बार हलाल खाना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम 5 सालों से तरसे हुए थे। सबसे पहले हम घुस गए मैकडोनल्ड्स में। अब मैकडोनल्ड्स का जो सिग्नेचर टेस्ट होता है वो यहाँ नहीं था, फ्राइज भी वो वाले नहीं थे, क्वालिटी बहुत बेकार थी। इन्होंने मैकडोनल्ड्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा गिरा दी थी। बाहर निकले, अगेन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट देखा, वहां से खाना लिया अम्मी अबू के लिए जो बारिश से बचने के लिए घर में ही थे। बारिश कभी होती थी कभी रुकती थी, हल्की हल्की हवा भी थी, इंतहाई प्लेजेंट मौसम था अल्हम्दुलिल्लाह। तकसीम स्क्वायर, इस्तिकलाल स्ट्रीट, जहां जहां पैदल जा सकते थे हम गए। जिन दिनों में यहाँ थी उन्हीं दिनों सबूर अली हमारी जो एक्ट्रेस है ना, वो भी तुर्की में थी, लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आई वो। खैर फिर खरीदा भुट्टा जो के घर जाते जाते तक ठंडा बर्फ हो चुका था, वहीं लेके वैसे खा लेना चाहिए था। और ये बात भी मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि ये खाने जितने दिखने में मजे के लग रहे हैं ना, उसका 10% भी नहीं है। इनका शायद टेस्ट ही ऐसा है कि खाने बहुत ज्यादा फीके होते हैं। इस्तिकलाल स्ट्रीट पर अक्सर ये साहब मिल जाते हैं। और ये आइसक्रीम वाला भाई भी नजर आता है, जिसको देख के मुझे एंजाइटी और गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि भाई तू आइसक्रीम पकड़ा और काम खत्म कर। लेकिन फिर यही तो इनका स्टाइल है जिसकी वजह से ये लोग फेमस हैं। यहाँ अगर आओ तो बकलावा और कुनाफा जरूर खाना, किसी भी दुकान से ले लेना, अच्छा ही मिलेगा। ये एक इनकी ऐसी चीज है जो कि हर तरफ से हर जगह से अच्छी ही मिलती है। फिलो डो में पिस्ता भर के उसको बेक करते हैं, फिर शुगर सिरप डाल के गरम गरम टर्किश कॉफी के साथ इसको सर्व करते हैं। अब टर्किश कॉफी जो कि इतनी कड़वी होती है कि एक सिप लेने के बाद खामखा साथ वाले को गाली दे के उससे लड़ने का दिल चाहता है।
हमने कुनाफा लिया, घर आ गए। कुनाफे की बेस फिलो डो की होती है, उसके ऊपर क्रीम होती है और ढेर सारा पिस्ता होता है सोक्ड इन शुगर सिरप। खाने से पहले इस पर दूध डाल देते हैं ताकि इसकी ज़रा रिचनेस कम हो जाए। ये बैग्स वहाँ की एक रेंडम दुकान पे थे जो कि इंतहाई खूबसूरत थे। यहाँ शायद उतने प्यारे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन एक एक डिज़ाइन बहुत आला था। ऐसे ही दिन गुजर गया तो रात को भाई KFC ले आए, जिसको देख के अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हलाल KFC भी एक नेमत से कम नहीं है। लेकिन इनका हाल मैकडोनल्ड से ज़्यादा बुरा था। ये सैंडविचेस खाते हुए मैंने सोचा कि मैं आखिर खा क्या रही हूँ, तो पता चला कि ये तो जिंगर है। खुद देख के बताओ, ढूंढने से भी कहीं चिकन नज़र आ रहा है। और ये सॉस क्या है, ये इतना पीला क्यों है? मुझे पक्का यकीन है कि ये दो नंबर KFC है, लेकिन फिर KFC दो नंबर कैसे हो सकती है? लेकिन अगर तुम लोग तुर्की जाओ तो मैकडोनल्ड्स KFC पे अपना टाइम ज़ाया मत करना, बहुत बहुत बेकार है। दूसरे दिन सुबह हमने सोचा कि बाकी तुर्की भी घूम लें, अब कब तक KFC को रोते रहेंगे। नाश्ता हमने पिज़्ज़ा का किया जो कि ताज़ा नहीं था। दुकान वाले ने मेरे सामने फ्रोजन पिज़्ज़ा निकाल के उसको गर्म किया था। फिर हमने ये खाया और फिर हमने फड़ी टैक्सी और निकल गए ग्रैंड बाज़ार। अब मैंने सुना था ग्रैंड बाज़ार बहुत चीप है, मतलब चीज़ें रुल रही हैं बस उठा के ले आओ, ऐसा नहीं था। हाँ, दिखने में बाज़ार अच्छा है, प्यारी चीज़ें हैं, एस्थेटिकली प्लीजिंग भी है, लेकिन महंगा बहुत है। नॉर्मल जो बाहर बाज़ार में मिलता है उससे ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा बारगेनिंग करनी पड़ती है। बारगेनिंग के लिए इंग्लिश और अरबिक मिक्स यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि ना तुमको प्रॉपर इंग्लिश आती है ना हमें टर्किश का ABC आता है। बर्तन, शो पीसेस, कपड़े, मसाले, लैंप्स, ज्वेलरी, अबाया, ड्रेसेस, सभी कुछ था। वो सब जो बंदे को चाहिए तो नहीं होता, लेकिन देख के बंदा सोचता है कि ख़रीद ही लेना चाहिए। रश यहाँ इतना ज़्यादा था कि लग रहा था कि मैं किसी बाज़ार में नहीं खड़ी हुई, बल्कि अल्लाह माफ़ करे, कोई रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करने आई हूँ। और फिर जेब कट जाने का अलग ही खतरा था, चोरियाँ बहुत होती हैं, मोबाइल वगैरह ले जाते हैं, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। अब बाज़ार की मेन बिल्डिंग से निकल के बाहर आओगे ना तो तुम्हें 40 लीरा में गुची के जूते मिल जाएंगे, नाइकी, एडिडास सब मिलेगा, ऑब्वियसली दो नंबर। लुई विटान के बैग तक मैंने बाज़ार में बिकते हुए देखे हैं, प्रॉपर पैकिंग, टैग्स वगैरह सब कुछ साथ में आती है, लेकिन वो भी दो नंबर होते हैं। इसी रश में वॉक करते करते हम बाहर निकल आए, रास्ते में देखी ज्वेलरी शॉप, वहां से मैंने लिया भाभी के लिए गिफ्ट। यार मैं बहुत अच्छी नंद हूँ, पाकिस्तानी ड्रामों वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, ट्रस्ट मी, आई एम सच अ स्वीट हार्ट। फिर हम निकले हया सोफिया की तरफ। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है और इसकी हिस्ट्री उतनी ही इम्पोर्टेंट भी है। यह इमारत 900 साल तक चर्च रही थी, फिर 500 साल तक मस्जिद, 85 साल तक ये म्यूजियम बना रहा, और अब फिर से इसको मस्जिद बना दिया गया। सबसे पहले यह चर्च था, लेकिन सल्तनत उस्मानिया ने जब इस्तांबुल को फतह किया था तो इसको मस्जिद में बदल दिया था। मस्जिद में दाखिल होने के तो सबसे पहले इन्होंने बताए हैं यहाँ पे आदाब कि अपने सर और गोडे ढांप के आइयो, ये मस्जिद है, आपके वालिद का वलीमा नहीं है जो स्किन शो करेंगे आप। रश यहाँ भी बहुत ज्यादा था, पर एंटर होते ही दीवारों पर, छतों पर खूबसूरत आर्टवर्क नजर आता है। जूते उतार के मस्जिद में दाखिल हुए तो आंखें खुली रह गईं। ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है, और यहाँ भी एज यूजुअल रश बहुत ज्यादा था। इसकी छत, इसका इंटीरियर, इसकी हर चीज बहुत खूबसूरत है। आई कैन इमेजिन यहाँ रमजान के दौरान तरावी पढ़ना कितना अच्छा लगता होगा।
मस्जिद के बाहर कुछ टूटे हुए बाकियात अभी भी बाकी हैं जो कि शायद हजारों साल पुराने होंगे। लेकिन यह है एक तारीखी इमारत, कभी चर्च, कभी म्यूजियम, कभी मस्जिद। यहाँ से बाहर निकले तो मौसम और ज्यादा प्यारा हो गया था। इसी एरिया में ब्लू मॉस्क भी थी तो हम वहां भी निकल पड़े। ब्लू मॉस्क की चल रही थी कंस्ट्रक्शन तो मैं कोई खास वीडियोस वगैरह नहीं बना सकी, लेकिन बाहर से जितना नजर आ रहा था ये मस्जिद भी इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। मस्जिद के बाहर टूरिस्ट के लिए बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए थे, फिर इल्हामी किताबों की डिटेल्स भी लिखी थी, मुसलमानों की कॉन्ट्रीब्यूशन भी लिखी हुई थी कि पहले दौर के मुसलमानों ने आखिर क्या क्या उखाड़ा था। कॉफी, पहला उड़ने वाला इंसान, वैक्सीन, कैमरा, साबुन, सर्जरी, लिहाफ बुनना, आर्किटेक्चर, विंड मिल्स, प्रिंटिंग प्रेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, एस्ट्रोनॉमी, ऑप्टोमेट्री, मैटर, गन पाउडर, जियोग्राफी, पेंडुलम, नेविगेशन, ग्लास मिरर, घड़ियां, चेक, ये सब मुसलमानों की आजाद करदा चीजें हैं जो कि आज पूरी दुनिया जिनसे फायदा उठा तो रही है पर क्रेडिट्स मुसलमानों को नहीं दिए जाते। इतना घूमने फिरने के बाद भूख लग गई, फिर इसी उम्मीद से कि शायद कुछ अच्छा मिल जाए हमने सैंडविचेस खरीदे। क्या टेस्ट था इनका आज तक समझ नहीं आई, बस कुछ था जो खा लिया था। इट्स अमेजिंग हाउ दीज पीपल मेक एवरीथिंग सो टेस्टलेस। और ये ब्रेड था, इसका नाम मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, इसके बीच में क्रीम चीज या नुटेला की फिलिंग करके देते हैं। और ये ब्रेड इतना हार्ड था कि मुझे समझ नहीं आई कि इसको खाना है या मैंने गले में पहनना है। पर खैर, इतना ज्यादा फिर लेने के बाद अब घर वापस जाना था, टैक्सी ली और हम घर वापस चले गए। अगला दिन हमारा आखिरी दिन था तुर्की में, तो सोचा जितना हम और ज्यादा खा सकते हैं हमें खा लेना चाहिए, तो हम पहुंच गए बर्गर खाने। इतने में बर्गर आ गए जो कि अगेन दिखने में जितने अच्छे हैं टेस्ट में उतने अच्छे नहीं थे। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनसे ज्यादा अच्छे बर्गर मैं घर पे खुद बना लेती हूँ। बर्गर खाने के बाद हमने कुछ चॉकलेट्स वगैरह खरीदी, फिर हम चले गए घर, पैकिंग वगैरह की और फिर निकल गए हम रात को ही एयरपोर्ट। तुर्की एयरपोर्ट पे इन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया था। और इसके अलावा इन्होंने हमें बहुत ज्यादा तंग किया, फजूल में खड़ा करके फजूल के सवाल किए। मेरा पासपोर्ट लेके मुझसे इमिग्रेशन वाले ने पूछा कि तुम्हारा पासपोर्ट नंबर क्या है, मैंने कहा पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, तो कहता है कि नहीं तुम बताओ कि नंबर क्या है। मैंने कहा भाई अब मैं याद करके तो नहीं बैठी हुई, किसको अपना पासपोर्ट नंबर याद होता है। पासपोर्ट का एक एक पेज देखने के बाद 500 सवाल करने के बाद इन्होंने हमें जाने दिया। यहाँ पर जर्मनी में एक घंटे का स्टे था जो कि अगेन बिला वजह की चेकिंग में कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। प्लेन की सीढ़ियाँ उतरते साथ ही पुलिस ने हमारा इस्तकबाल किया, हमारे पासपोर्ट देखने लग गए, 70 सवाल मजीद किए। चेकिंग बहुत ज्यादा थी, हद से ज्यादा, लेकिन शायद इसलिए कि जब हम वापस आ रहे थे तब रशिया और यूक्रेन का फट्टा शुरू हो गया था, तो इसलिए ज्यादा प्रिकॉशंस ले रहे थे। फिर चेकिंग के बाद आखिरी फ्लाइट पकड़ी, प्लेन में बैठे तो ये देख के खुशी की इंतहा ही नहीं थी कि लेग स्पेस बहुत अच्छी मिली थी, लेकिन फिर रियलाइज हुआ कि मैं तो इमरजेंसी एग्जिट पर बैठी हुई हूँ, मतलब कि प्लेन को खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो दरवाजा खोलना मेरा काम होगा। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी मैंने जो आई एम श्योर तुम लोगों ने नहीं देखी होगी, वो ये कि प्लेन टेक ऑफ करने से पहले इसके विंग्स धोए गए। ये क्यों धोए गए मुझे नहीं पता, शायद विंग्स को ठंडा करना था या विंग्स गंदे थे इसलिए धोए।
आई डोंट नो, लेकिन उस वक्त मुझे इतनी शदीद प्यास लगी हुई थी, मेरा दिल चाह मैं इमरजेंसी एग्जिट खोल के बाहर निकलूं और यही पानी पी लूं। लेकिन खैर, इस टेक ऑफ के बाद मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि पूरी फ्लाइट में सोती रही थी, और जब मेरी आँख खुली तो हम लिस्बन पुर्तगाल लैंडिंग करने वाले थे। और इस तरह से हम खैरियत से तुर्की गए, वहाँ भाई की शादी की, वापस आए, बहुत सारा खाना भी खाया और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया कि ये एक्सपीरियंस करने के लिए पूरी फैमिली हम एक साथ थे।